एक यंग लड़का जिसे पता चलता है कि वो नेचुरल तरीके से बाप नहीं बन सकता और बच्चा पैदा करने के लिए वो क्या क्या जुगाड़ करता है, यही इस मूवी का टॉपिक है। और मूवी का नाम है नॉट सुटेबल फॉर चिल्ड्रन, जो 2012 में रिलीज हुई थी। जॉना एक यंग लड़का है जो अपनी लाइफ मजे से जी रहा है। एक दिन जब वो घर पर पार्टी कर रहे हैं तो लाइट चली जाती है क्योंकि उसने बिजली का बिल नहीं भरा था। लेकिन उसका नेबर उसे बियर और $500 के बदले बिजली की वायर लाकर दे देता है और लाइट आ जाती है। पार्टी शुरू होती है। जॉना एक लड़की जिसका नाम बैकी है उसके साथ मजे कर रहा है और वो लड़की उसे रूम में ले जाती है और जॉना के साथ ओरल सेक्स करने लगती है। लेकिन तभी वो जॉना को बताती है कि तुम्हारे टेस्टिकल्स यानी कि अंडकोश में कुछ लंब जैसा है, यानी कि उस जगह थोड़ी सी गांठ बनी हुई है। जॉना डॉक्टर से मिलता है और डॉक्टर बताता है कि उसे टेस्टिकुलर कैंसर हो गया है। डॉक्टर कहता है कि इसे जल्दी रिमूव करना पड़ेगा, यानी उसका एक अंडकोश को निकालना पड़ेगा। जॉना अपसेट हो जाता है क्योंकि वो शायद नॉर्मल तरीके से बाप नहीं बन पाएगा और वो कभी सेक्स भी नहीं कर पाएगा। डॉक्टर कहता है ऑपरेशन के बाद वो अपने स्पर्म बैंक में फ्रीज करा के बाप बन सकता है। स्पर्म बैंक में नर्स जॉना को अकेले एक रूम में छोड़ देती है ताकि वो अपना स्पर्म दे सके। जॉना घर आता है जहाँ वो अपने बेस्ट फ्रेंड स्टीवी और गस के साथ रहता है। जब स्टीवी ऑफिस से लौट कर घर आती है तो गस स्टीवी को बताता है कि जॉना को कैंसर हो गया है। गस कहता है कि वो फ्राइडे वाली पार्टी कैंसिल कर देते हैं। जॉना कहता है कि नहीं, पार्टी कैंसिल मत करो, किसी को ये भी मत बताना कि मुझे कैंसर हुआ है। जॉना को स्पर्म बैंक से कॉल आती है और वहाँ नर्स उसे एक्सप्लेन करती है कि जॉना का स्पर्म वो बायोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से फ्रीज करके नहीं रख सकते। जॉना परेशान हो जाता है कि वो कभी बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा। वो नर्स से और ऑप्शंस के बारे में पूछता है। नर्स जॉना से कहती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। नर्स का मतलब था कि जॉना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट होकर उसे प्रेग्नेंट कर सकता है और बाप बन सकता है। लेकिन जॉना तो आवारा लड़का है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो तो सिर्फ मजे करता था। अब जॉना ऐसी लड़की ढूंढना शुरू करता है जो उसके बच्चे पैदा कर सके। वो सबसे पहले अपनी एक्स गर्लफ्रेंड एवा के पास आता है, लेकिन एवा कहती है कि तुमने तो कहा था कि हम 6 महीने तक नहीं मिलेंगे। जॉना कहता है 6 महीने कंप्लीट हो गए हैं। एवा कहती नहीं, अभी सिर्फ चार महीने कंप्लीट हुए हैं। जॉना उससे कहता है कि क्या वो उसके बच्चे की माँ बनना चाहेगी। एवा हंसती है और कहती है अचानक से ऐसा क्या हुआ, तुम तो सीरियस ही नहीं हो इस रिलेशनशिप के लिए और फिर अचानक तुम बच्चा पैदा करने की बात कर रहे हो। एवा उसे मना कर देती है। फिर जॉना बैकी से मिलने की सोचता है जिसके साथ जॉना मूवी की शुरुआत में मजे कर रहा था, लेकिन वो भी उसे मना कर देती है और कहती है मैंने कभी तुम्हें एज अ कपल नहीं देखा। बैकी कहती है कि उसके दादाजी को भी सेम कैंसर था लेकिन वो एक अच्छे पापा थे और मुझे यकीन है कि तुम भी एक अच्छे बाप बनोगे। इन लड़कियों के रिजेक्ट करने के बाद जॉना डॉक्टर से और टाइम मांगता है और डॉक्टर उसे 3 वीक्स का टाइम दे देता है। जॉना उन लड़कियों के नाम की लिस्ट बनाना शुरू करता है जिससे वो पार्टी में मिला था और फिर उसने उन्हें डेट किया था और वो उन सब से बच्चा पैदा करने की बात करता है लेकिन सब मना कर देती हैं। स्टीवी जॉना को उस बच्चा अडॉप्ट करने का सजेशन देती है। जॉना अडॉप्शन के लिए तैयार है लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी मेडिकल हिस्ट्री की वजह से वो बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकता और वो ये बात स्टीवी को बताता है। सब कुछ ट्राई करने के बाद स्टीवी जॉना से कहती है कि तुमने अब तक उन लड़कियों से इस बारे में बात की जो काफी कम उम्र की हैं और वो अभी बच्चा पैदा नहीं करना चाहती क्योंकि वो काफी यंग है। तुम्हें ऐसी लड़कियों से बात करनी चाहिए जो थोड़ी मैच्योर्ड हो और जिन्हें बच्चा चाहिए, जैसे कि लेस्बियंस। स्टीवी कहती है कि उसके ऑफिस में एक लेस्बियन लड़की है जो स्पर्म डोनेट करने वाले को ढूंढ रही है क्योंकि उसे बच्चा चाहिए। जॉना उन लेस्बियन कपल से मिलता है और वो कपल उससे पूछता है कि तुम बाप क्यों बनना चाहते हो। जॉना बात घुमा देता है और कहता है कि वो अपनी बहन के बच्चों की बेबी सिटिंग करने वाला है और वो उन्हें इन्वाइट करता है, लेकिन वो कपल स्टीवी को फोन करके आने से मना कर देते हैं। जॉना स्टीवी से बेबी को उठाने को कहता है और स्टीवी को हम उस बेबी को प्यार से हक करते हुए देखते हैं। स्टीवी फिर से अपने ऑफिस कलीग से जॉना की मीटिंग फिक्स करवाती है। जॉना उसके घर जाता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता। वो लड़की स्टीवी से कहती है कि जॉना काफी हैंडसम है लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती। दरअसल जॉना उसके साथ सेक्स नहीं कर पाया था इसीलिए उस औरत ने जॉना को मना कर दिया। स्टीवी जॉना पर गुस्सा करती है कि वो उस औरत के साथ बिना किसी प्लानिंग के क्यों गया। जॉना कहता है कि उसने काफी ड्रिंक कर ली थी इसलिए वो सेक्स पर फोकस नहीं कर पाया। वो उस औरत से दोबारा मिलवाने को कहता है लेकिन स्टीवी मना कर देती है। जॉना स्टीवी से कहता है कि वो अपने बच्चे की माँ के नाम ये घर कर देगा जहाँ वो रहता है और उसे किसी भी तरह की बाउंडेशन नहीं होगी। वो जिसे चाहे मिल सकती है, जिसे चाहे घल्ला सकती है। स्टीवी जॉना के इस ऑफर के बारे में सोचती है और कहती है कि वो उसके बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार है क्योंकि उसे ये घर पसंद है, लेकिन इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, गस को भी नहीं। वीकली पार्टी के टाइम पर स्टीवी अपने रूम में होती है और गस जॉना को बताता है कि स्टीवी को माइग्रेन की वजह से सिर में दर्द है। स्टीवी जॉना को मैसेज करके अपने रूम में बुलाती है
और जॉना से कहती है कि वो स्टील के लिए तैयार है। जॉना उसके करीब आने लगता है। स्टीवी कहती है नो 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 नो, हम सेक्स नहीं करेंगे बल्कि आर्टिफिशियल तरीके से स्पर्म को इंसर्ट करेंगे, और जॉना को एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने को कहती है जिसमें उसकी कुछ शर्तें लिखी होती हैं। वो जॉना को कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने को कहती है और फिर जॉना साइन कर देता है। वो जॉना को बताती है कि उसके पास 4 दिन है क्योंकि ये 4 दिन ओव्यूलेशन के हैं और इन दिनों में प्रेग्नेंट होने के चांसेस काफी होते हैं। स्टीवी कहती है कि उन्हें 4 दिनों के लिए एक होटल का रूम बुक करना पड़ेगा क्योंकि वो गस को कुछ बताना नहीं चाहती। जॉना और स्टीवी एक सिरिंज खरीदते हैं क्योंकि स्टीवी अपने बेस्ट फ्रेंड जॉना के साथ सेक्स नहीं करना चाहती, लेकिन जॉना से वो सिरिंज एक्सीडेंटली टूट जाती है और रात के टाइम सारी मेडिकल शॉप्स भी बंद हो जाती हैं और उन्हें मॉल में भी कोई सिरिंज नहीं मिलती। स्टीवी बताती है कि 4 दिन में से 1 दिन तो वेस्ट होने वाला है। जॉना परेशान हो जाता है। स्टीवी नेचुरल तरीके से प्रेग्नेंट होने को मान जाती है। उन दोनों के बीच सेक्स होता है और 4 दिनों तक वो होटल के रूम में सेक्स करते हैं और गस को कुछ भी पता नहीं चलने देते। 5वें दिन जब स्टीवी ऑफिस में होती है तो उसे पीरियड्स हो जाते हैं और वो जॉना को कॉल करती है और मिलने को कहती है। जॉना आता है और वो कहती है कि मेरे पीरियड्स आ गए, सॉरी। जॉना कहता है कि मतलब वो 4 दिन बर्बाद हो गए। स्टीवी कहती है अच्छा हुआ हमने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। जॉना अपसेट हो जाता है और दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। घर पर पार्टी चल रही है लेकिन स्टीवी पार्टी में नहीं है। गस जॉना की गर्लफ्रेंड एवा को कॉल करता है और एवा जॉना से कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हें कैंसर हो गया है। मैं तुम्हारे बच्चे को पैदा करने को तैयार हूँ। मुझे पता है कि तुम एक अच्छे पापा बनोगे। तुम अपनी बहन के बच्चे को कितने अच्छे से संभालते हो। वो दोनों सेक्स करने लगते हैं लेकिन जॉना सारा स्पर्म बाहर निकाल देता है क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि वो स्टीवी से प्यार करता है। जॉना स्टीवी को ढूंढने लगता है और स्टीवी जॉना के रूम की तरफ आती है लेकिन एवा को देखकर चली जाती है। तभी पुलिस आकर पार्टी को बंद कराने लगती है। जॉना स्टीवी को कहता है कि आई लव यू, चाहे तुम मेरे बेबी पैदा करो या ना करो, आई डोंट केयर। लेकिन स्टीवी कहती है लेकिन मैं मां बनना चाहती हूँ और चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जॉना का ऑपरेशन है और जॉना की बहन और गस उसके साथ हॉस्पिटल आते हैं। जॉना सैड है और तभी वहाँ स्टीवी उसे मॉरल सपोर्ट देने पहुंच जाती है और गस के सामने, जिसे कभी इन दोनों पर कभी शक नहीं हुआ, उससे कहती है कि तुम एक ग्रेट फादर बनोगे और वो स्पर्म डोनेट करके या फिर एक बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। वो दोनों किस करते हैं और जॉना ऑपरेशन के लिए चला जाता है। और इस मूवी की फाइनल लाइन जो हमारा वेरी कंफ्यूज्ड गस कहता है, व्हाट द फक।